की हार्दिक अभिनंदन करती है। श्रद्धालुओं का युवा सेवा समिति हार्दिक अभिनंदन करती है। यात्रा में लेकर ही आगे बढ़े प्रसाद का जो है मित्र का जो है कार्यक्रम रखा। एक आदमी जो है युवा सेवा समिति का कोई एक कार्यकर्ता जो है वो यहाँ चले जाए। युवा सेवा समिति का एक कार्यकर्ता दिनेश जी के पास आके अपना यात्रा के साथ आए हुए भगत सिंह और शंकर सोनी में सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन। कृपया प्रसाद लेकर ही आगे बढ़े जो शोभा यात्रा निकल के जो है आज एसके ब्रिज के पास जो है प्लस नगरी में हम पहुंचे हैं। सब हमारे पास मातृशक्ति हिंदू मुस्लिम सिख नौजवान बच्चे आप देख ही रहे हैं और यहाँ पर जो है आज हम प्लस नगरी में पहुंचे हैं। उसके बाद अभी वहाँ पर जो है यहाँ पर जो है गणपत बाबा मौर्य की यहाँ पर जो है पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद जो है जल विसर्जन किया जाएगा। आप देखिए पूरे देश भर की भी जो है बड़े हर्षोल्लास से जो है गणेश भगवान का जो विसर्जन आज किया जा रहा है। मैं एक बार उस सच्चे पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे देश के बीच जम्मू कश्मीर के बीच जो शांति बनी रहे, हमारा देश दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे और ऐसे ही हर वर्ष जो है हम गणेश भगवान का जो उत्सव है बड़े हर्षोल्लास से मनाए। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूँ। बोल गणेश भगवान की जय। जी, हर साल की तरह इस साल भी जो गणेश का विसर्जन किया गया है तो बड़ी तादाद लोगों ने हिस्सा लिया, आप क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी पुंछ निवासियों को, भारतवासियों को, या भारतीय जहाँ जहाँ भी इस दुनिया में, सबको आज अनंत चतुर्दशी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 11 दिन से जो गणेश महोत्सव पुंछ शहर के विभिन्न मंदिरों में, जहाँ जहाँ पंडालों में
गणेश जी की प्रतिमा स्थापित हुई थी, आज उसका विसर्जन का दिन है। आपने देखा कि पुंछ यहाँ भक्तों में बहुत उत्साह है। पिछले 11 दिन से भगत जो है वो गणेश जी की प्रतिमा का पूजन कर रहे थे, तो आज विसर्जन के दिन आज देखा होगा कि हर एक मजहब के हर एक तबके के लोग जो है वो इस यात्रा में शामिल हुए, इस विसर्जन वाली यात्रा में शामिल हुए। तो पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को दुनिया में जहाँ जहाँ भी सबको आज अनंत चतुर्दशी की हार्दिक गणेश महोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। बड़ी संख्या में आज लोगों ने भाग बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि पुंछ नगर के अंदर ये जो परंपरा 2010 में प्राचीन शिव मंदिर पावर हाउस से गणेश जी की स्थापना और फिर 10 दिन निरंतर पूजा और उसके बाद विसर्जन का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था, आज पुंछ के लगभग 3 मंदिरों में और अनेक घरों के अंदर जो है गणेश जी की स्थापना होती है। 10 दिन लगातार जो है उनकी आराधना और पूजा की जाती है, मंदिरों के अंदर भक्तों का जमावड़ा रहता है और आज 14 के दिन जो है समस्त पुंछवासी बिना मजहब मिलत सभी जाति धर्म और समुदाय के लोग जो है एक भव्य शोभा यात्रा के रूप जो है गणेश भगवान जी के विसर्जन के लिए पुलस्त नदी पर यहाँ आए हुए हैं। अभी ही कुछ क्षणों के अंदर जो है विसर्जन किया जाएगा, भव्य आरती होगी। मैं इस शुभ अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जिन जिन भक्तों ने आपकी आराधना पूजा और आज भव्य शोभा यात्रा के सम्मिलित हुए उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, उनके परिवार में सुख और शांति बनी रहे, देश हमारा जो है खुशहाल रहे और सभी में एकता और भाईचारा जो है बना रहे। धन्यवाद।